दोस्तों नमस्कार। एक आवश्यक सूचना है और खुशखबरी भी है। वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। 15 फरवरी को सिवान जिला के भगवानपुर हाट प्रखंड में, उस प्रखंड के जितने भी भूमिदाता अनुरक्षक लोग हैं, सभी लोग प्रखंड स्तर पर प्रखंड मुख्यालय में जाकर आंदोलन किए थे और अपनी कुछ मुख्य मांगे रखे हुए थे। अपनी मांग को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक के लिए पानी बंद करने का ऐलान किया गया था। यह 15 फरवरी को आंदोलन भगवानपुर हाट के प्रखंड में यह आंदोलन किया गया और 15 तारीख के आंदोलन हुआ और 17 तारीख के वहां के जो डीपीआरओ साहब है, बीपीआरओ साहब है, उन्होंने आंदोलन करने वाले जो मुख्य लोग थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। तो उनको बुला करके और वार्तालाप किया गया है और उनकी मुख्य मांगे जो है उसको मान लिया गया है। और चंदन दुबे जी ने कहे हैं कि आश्वासन मिला है और वार्तालाप हुई है और बीपीआरओ डीपीआरओ साहब के द्वारा बताया गया है कि आपके मांग को पूरा किया जाएगा, जो मेरे अधीन में है, मेरे पावर में है, उस मांग को हम लोग पूरा कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे मांग है जो बिहार सरकार से वार्तालाप करना होगा, तो इसके लिए कुछ मांग के लिए बिहार सरकार से वार्तालाप होगी और कुछ ऐसे मांग है जो बीपीआरओ और डीपीआरओ साहब ने बात को मान लिए हैं। और चंदन दुबे जी ने कहे हैं कि जितने भी लोग पानी को बंद किए थे सभी लोग पानी अब चालू कर देंगे, क्योंकि बात चल रहा है और हमारी बात को रख लिया गया है। मुख मांगे जिस बात को माना गया है वह 2018 से जो बकाया राशि पेमेंट करना था वह बीपीआरओ और डीपीआरओ साहब ने कहे हैं कि यह राशि हम पेमेंट करवा देंगे, ये हमारे अंदर के चीज़ है। और पोर्टल पर जो नाम छेड़छाड़ किया गया था, भूमिदाता अनुरक्षक का जो नाम पहले से था उसका नाम हटा करके अवार्ड सदस्यों का नाम जो उस पर जोड़ा गया था, रखा गया था, इस पोर्टल पर से जो छेड़छाड़ किया गया है उसको भी सुधार किया जाएगा। और उसके बाद भी और सारी बहुत सारी मांग थी, बाद बाकी जो मांग है उसके लिए जो है सरकार से आगे वार्तालाप होगी। तो सिवान जिला के भगवानपुर हाट प्रखंड के जितने भी नल जल अनुरक्षक पानी बंद किए थे उन लोगों से आग्रह है और उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग पानी को अब चालू कर दीजिए, कारण कि आपकी बात को मान लिया गया है, आप लोगों को पेमेंट किया जाएगा। अब मैं उन अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहूँगा जो लोग घर में सोए हुए हैं, यह कहते हैं कि हमारी बात को बीपीआरओ साहब नहीं मान रहे हैं, हमारी बात को पीएचडी विभाग नहीं मान रहा है। तो भैया आप अकेला कहीं भी जाइएगा तो आपकी बात को नहीं माना जाएगा, आपकी बात को अकेला क्यों माना जाएगा। आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देख लिए कि संगठन में क्या ताकत होता है। जब हमारी मांग जायज होगी तो हमारी मांग को पूरा ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि 2018 से नल जल जो लोग चला रहे हैं, कुछ लोग 19 से चला रहे हैं, कुछ 20-21 से चला रहे हैं, जो अब व्यक्ति जब से चला रहे हैं सरकार ने तो पैसा भेज रहा है और वह पैसा सही बात है कि किसी को नहीं मिला है, तो आखिर क्यों नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है कि आप लोग अपने पैसा को मांग के अपने शक्ति से नहीं किए हैं, आप अपने पैसा के मांग जो है बहुमत से नहीं किए हैं, अकेला मांगते हैं और आपको वहां से हटा दिया जाता है, कुछ कुछ कह दिया जाता है। पोर्टल पर से भी युद्ध स्तर पर नाम छेड़छाड़ किया गया है, अनुरक्षा का नाम हटाकर वार्ड सदस्यों का नाम जोड़ा गया है, जो पानी अनुरक्षक चला रहा है, पानी भूमिदाता चला रहा है और अनुरक्षक लिस्ट पर वार्ड सदस्यों के नाम
चढ़ा दिया गया या नाइंसाफी किया गया है, तो इसके लिए आप लोगों को संगठन को मजबूत करना होगा। जिस तरह सिवान जिला के भगवानपुर हाट प्रखंड में लोग आंदोलन किए हैं और उनकी मांग को पूरा किया गया है, उसी तरह आप लोग भी एकजुट होकर के और क्या कीजिए कि अपने अपने प्रखंड में अपने अपने पीएचडी विभाग में एक ज्ञापन दीजिए कि हमारी मांग को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, चाहे आंदोलन करेंगे, जिसको जो जिस हिसाब से अपना मांग रखना होगा अपना मांग आप लोग रखिए। और याद रहे शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण मांग को पूरा किया जा सकता है, उग्र मांग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप मांग करने जा रहे हैं 50, 100, 200, 500 के संख्या में जाइए, शांति रूप से वहाँ पर बैठ जाइए और अपनी बात को रखिए और वहाँ के जो भी कर्मचारी अधिकारी लोग हैं उनसे वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए और आपकी बात को ज़रूर सुना जाएगा, आपकी बात को ज़रूर रखा जाएगा, क्योंकि यह हमारा बिहार है और जब तक यहाँ आप मांगिएगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। आप देखते होइएगा कि आंगनबाड़ी ने पटना में जाकर अपना मांग किया, मिला, शिक्षक ने अपनी मांग को पटना में जाकर किया, मिला। आप कम से कम पटना नहीं जा सकते तो अपने अपने प्रखंड में ज़रूर मांग कीजिए। जिस दिन हमारे प्रखंड मजबूत हो जाएगा, हर एक प्रखंड में जिस दिन अपने अपने मांग को लोग पूरा करने लगेगा, अपने अपना मांग करेगा, जिस दिन हम लोग जान जाएंगे कि हमारे सभी प्रखंड के अनुरक्षक भाई भूमिदाता भाई जाग गए हुए हैं, तो पटना में अवश्य हम लोग प्रदर्शन करेंगे और अस्थायी नौकरी की मांग करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक, जय भूमिदाता।